जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, Realme 11 Pro Plus के लाइव इमेजेस आ चुके हैं। फोन देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है, कैमरा हाउसिंग का स्टाइल भी काफी अच्छा है, लेदराइज बैक है। देखो यार, आजकल यही फैशन चल रहा है, इसी स्टाइल में कैमरा हाउसिंग अपने को देखने को मिल रहा है। ये फोन 30,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, लेकिन डिजाइन और लुक्स वाइज 50-55,000 रुपए के स्मार्टफोन का फील दे रहा है। लेकिन स्पेक्स इसके इतने अच्छे नहीं होंगे जो आपको खुश कर दे, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेगा। और 200 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दे रहा है, बंदे Redmi Note 12 Pro Plus जाके ना खरीद ले। देखो यार, मेगापिक्सल के ऊपर इतना आजकल ब्रांड्स भरोसा करने लग गए हैं कि वो सेंसर्स की क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खासकर नंबर्स वाला गेम अच्छा नहीं होता यार। अच्छा सेंसर दो 12 मेगापिक्सल का, बंदा उसी में खुश हो जाएगा। वैसे आप बताओ आपके क्या रिएक्शंस हैं। वैसे यार, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मई के महीने में कौन कौन से फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, तो मैं वीडियो बना दिया हूँ। अपकमिंग स्मार्टफोन्स का नया एपिसोड आ चुका है। हाँ, मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन लेट होने का भी अपना ही फायदा होता है, आपको और अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते हैं। आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। आप तो जानते हो यार, मेरा फोन खराब हो गया था इसी वजह से, जाके देख लेना यार, आपको बहुत अच्छे अच्छे फोन्स के बारे में पता चलेगा। कल के टेक न्यूज में मोटो H40 लॉन्च हो गया था यूरोपियन मार्केट्स में, लेकिन मैं उसके बारे में डिटेल्स बताया था, दिखाया नहीं था, एडिटिंग मिस्टेक था वो। अब नया सॉफ्टवेयर है तो इसी वजह से थोड़ा सा अभी सीख रहा हूँ। तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो। यूरोपियन मार्केट में ये लॉन्च हो चुका है, इसी महीने ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। वैसे फोन काफी अच्छा है। अपकमिंग स्मार्टफोन प्रोसेसर्स का पूरा लिस्ट आ चुका है, मॉनिकर्स भी पता चल चुके हैं। योगेश बरार बताएं, देख लो यार, इस साल हम लोगों को ये सारे प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। अभी ये लॉन्च नहीं हुए, लॉन्च होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से प्रोसेसर के लिए एक्साइटेड हो। मैं 7th Gen 3 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यार, 6th Gen सीरीज में भी हम लोगों को एक नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यार, Qualcomm के प्रोसेसर्स आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हुए जा रहे हैं। और MediaTek को लेकर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यार। कल कुछ बंदे मुझे बोलने लगे, सुफियान भाई, नंबर्स बढ़ गए हैं तो परफॉर्मेंस भी बढ़ा हुआ है ना। हाँ यार, ऑब्वियस ही बात है। पहले MediaTek हंड्रेड्स में ही रहता था, जैसे कि Dimensity 700, Dimensity 900, फिर 1300, ऐसे ऐसे नाम रखता था। अब देखो यार, नए प्रोसेसर्स लॉन्च किया, उन्हीं पुराने प्रोसेसर्स के वो सक्सेसर्स हैं, लेकिन नाम के नंबर को बढ़ा दिया वो। अब देखो भाई, नंबर बढ़े तो उसका मतलब फील होता कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन नहीं यार, तो बात एकदम सिंपल सा है। जैसे कि हम लोग पुराने टाइम में बोलते थे MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर मिल जाता है, तो उसका सक्सेसर आया तो उसको 8000 सीरीज का प्रोसेसर कह के बुलाने लग गए। तो बस उसका सक्सेसर है, तो इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नंबर बड़ा कर दिया तो फील हो रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा कारीगरी कर दिया। नहीं यार, वो नंबर्स बड़ा आजकल रखने लग गया है, समझ गए, अपने प्रोसेसर्स के नाम में। लेकिन Qualcomm का स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है नाम रखने का, सिंपल, एंड कोई भी बंदा समझ जाएगा आराम से। लावाग्नि 2, ये फोन बवाल करने वाला, सही बता रहा हूँ। 20,000 रुपए इसका प्राइस होगा, प्राइस बाहर आ चुका है, और भाई कर्व्ड पैनल देगा। डेमेसिटी 7050 का प्रोसेसर होगा, और 50 मेगापिक्सल का कैमरा, बहुत ही अच्छा बैटरी, भाई बहुत ही मस्त स्पेसिफिकेशन दे रहा है लावा यार, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यार। अगर ये फोन 20,000 रुपए में लॉन्च हो गया ना यार, बवाल हो जाएगा सभी कंपटीशन को, कि ये किल कर देगा 20,000 रुपए में, मजा आ जाएगा। Vivo X100 सीरीज के स्मार्टफोन्स और iQOO 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स, Vivo iQOO के प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स इस साल के एंड तक चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। तो इनके चार्जिंग स्पीड्स को लेकर बहुत सारे डिटेल्स बाहर आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार। फोन्स काफी बवाल होंगे, और ये देख के अच्छा लगा कि ये 200-300 वाट तक नहीं गए, 100-120 वाट पे ही रुक गए, अच्छा लगा। बहुत ही फास्ट भी है, और कह सकते हो कि काइंड ऑफ स्टेबल भी है। 200-300 बहुत ज्यादा हो जाता है, 100 में ही बंदा खुश हो जाता है, बोलता भाई 100 वाट का यार फास्ट चार्जिंग है, ठीक है। आपको याद होगा, आपको मैं कल के टेक न्यूज में बताया था, 10 मई को MediaTek Dimensity 9200 प्लस MediaTek का नया प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च होगा। तो 10 मई को iQOO अपने iQOO क्या बहुत सारे ब्रांड्स अपने फोन्स को अनाउंस करेंगे, iQOO Neo 8 Pro को अनाउंस करेगा। अब देखो यार, मॉनिकर चेंज हो सकता है, iQOO Neo 8 सीरीज ना आके iQOO Neo 9 सीरीज के फोन हम लोगों को दिखाई देते, वो 8 नंबर को स्किप कर सकता है iQOO, ऐसे ऐसे रूमर्स आए थे। लेकिन मुद्दा यह है कि Neo सीरीज का प्रो मॉडल हम लोगों को दिखाई देगा, 10 मई को अनाउंस कर देगा iQOO, क्योंकि मैं आपको बताया भी था, iQOO Neo 8 Pro कह लो या फिर iQOO Neo 9 Pro कह लो, वो MediaTek Dimensity 9200 प्लस के साथ आएगा। तो 10 मई को यार, केवल iQOO नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स भी अपने फोन्स को अनाउंस करेंगे इस प्रोसेसर के साथ। Oppo F23 के स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार। और स्पेसिफिकेशंस देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगा, ऐसा लग रहा है कि इस बारी भी Oppo के F सीरीज के स्मार्टफोन्स अच्छे स्पेक्स नहीं देंगे, लेकिन हाई फाई प्राइस पे लॉन्च होंगे। वैसे भी Oppo F सीरीज के स्मार्टफोन्स का यही स्टाइल होता है, Oppo स्पेक्स अच्छे नहीं देता है, लेकिन प्राइस काफ़ी हाई फाई मार देता है यार। कुछ ओप्पो अच्छा काम कर दो यार, F23 Pro के साथ तो कुछ अच्छा कर दो यार। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे करोड़ों बार कहा था, गूगल के IO इवेंट में गूगल अपने फोल्डेबल फोन को भी लॉन्च करेगा, तो आज गूगल खुद ऑफिशियली कह दिया, मई के 10 तारीख को गूगल पिक्सल फोल्ड लॉन्च हो जाएगा। लेकिन भाई, जरा बेजल्स को देखो यार,
कभी किसी फोल्डेबल फोन में इतने बड़े बड़े बेजल्स आप देखे हो? पता नहीं यार गूगल क्या कर रहा है। स्टार्टिंग में सभी लोग तारीफ करने लग गए कि गूगल पिक्सल 4 लॉन्च हो रहा है 10 मई को, फिर सभी लोग फिर बोलने लगे भाई बेजल्स को देखो, बेजल्स को देखो, वाकई में बेजल्स बहुत ज्यादा है। नोकिया बाबू इज बैक। नोकिया XR21 नोकिया का रगेड स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। सारे स्पेसिफिकेशन, प्राइजेस, डिटेल्स स्क्रीन पे है। देखो यारो ये फोन काफी अच्छा है, काफी अच्छा रगेड फोन है। अगर रगेड फोन के नजरिए से कहूँ तो देखो यार नोकिया कभी सुधरेगा नहीं, नोकिया का यही स्टाइल है, यही स्वैग है। एंड दिल में ये उम्मीद रहती है कि नोकिया कभी ना कभी सुधर जाएगा और अच्छे स्पेक्स पे अच्छे फोन्स को लॉन्च करेगा अच्छे प्राइस के साथ, लेकिन वो दिन कब आएगा आई डोंट नो, आई होप सो जल्द से जल्द आ जाए। वैसे यारो फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सेल चालू हो गया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि रियलमी के बहुत सारे फोन बहुत ही खतरनाक प्राइस पे देखने को मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे। या रियलमी GT मास्टर एडिशन हो गया और रियलमी GT 3T हो गया, और भी बहुत सारे मस्त मस्त फोन हैं जो बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, जाके चेकआउट करो, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा फोन आप परचेस कर सकते हो। अब देखो यार आप मुझे भी बोलोगे सुफियान भाई आप क्यों नहीं खरीद लेते हो कोई नया फोन, देखो यार मैं दिवाली का इंतजार कर रहा हूँ, अपन आईफोन की फिराक में है, नहीं तो उस समय गूगल पिक्सल 7 सीरीज के फोन का भी प्राइस काफी डाउन हो जाएगा, तो उसकी तरफ भी मैं जा सकता हूँ। दिवाली का इंतजार कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दिवाली में बहुत ही मस्त प्राइस में बहुत ही मस्त प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और 3-4 महीना बचा हुआ है यार BBD आने में, तो रुक जाते हैं थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता उस टाइम तक नथिंग फोन 2 का भी प्राइस कुछ कम देखने को मिल जाए और पिक्सल 7a का भी प्राइस थोड़ा कम हो जाए, तो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ मैं। Realme Buds Air 5 Pro, इसके लाइव इमेजेस में आपको दिखाया था और कुछ की स्पेक्स भी आपको बताया था मैं, लेकिन ये जो Realme का नया प्रीमियम एयरबर्ड है, हाँ Realme के हिसाब से तो प्रीमियम ही है, ये 10 मई को लॉन्च हो जाएगा चाइना में Realme 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ, और ये बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च होगा। देखो यारो आपको याद होगा मैं आपको कई बार बताया हूँ एप्पल अपने आईफोन 15 सीरीज के आईफोन्स में टाइप सी पोर्ट देने वाला है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, एप्पल इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस लगा कर देगा, मतलब कि स्पीड थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, एप्पल के खुद के प्रोडक्ट्स ही इसमें यूज हो सकेंगे टाइप सी पोर्ट वाले, और टाइप सी केबल्स, टाइप सी चार्जर या फिर जो भी एक्सेसरीज हो, और जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो भी आईफोन्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगी टाइप सी बेस्ड, टाइप सी पोर्ट बेस्ड या फिर जो भी उस तरीके के एक्सेसरीज हो, वो भी लिमिटेशन बेस्ड ही होंगे, मेड फॉर आईफोन्स के रूल्स के अंदर में आएंगे। बेसिकली मुद्दा ये है कि टाइप सी पोर्ट तो देगा एप्पल, लेकिन लिमिटेशंस लगाएगा उसके अंदर में, ठीक है। तो ये बात यूरोपियन यूनियन को अच्छा नहीं लगा, EU, उन्होंने कहा कि भैया अगर ऐसा काम करोगे तो तुमको अपने फोन्स को लॉन्च करने से हम रोक देंगे यूरोपियन कंट्रीज में, ऐसा काम मत करो, जैसा टाइप सी पोर्ट सब लोग दे रहे हैं वैसे ही दो, कोई लिमिटेशंस नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा टाइप सी पोर्ट दो चुपचाप से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोले हैं वो। Samsung Galaxy S23 Ultra का लाइम कलर वेरिएंट बहुत ही जल्द हम लोगों को लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, हर जगह ये लॉन्च होगा, हमारे इंडिया में भी लॉन्च होगा, देख लो ऐसा दिखाई देगा। वैसे ये कलर देखने में मेरे को मजा नहीं आया यार, मेरे को वो बर्गंडी पर्पल है ना वो अच्छा लगता है, और ब्लैक कलर भी काफी अच्छा लगता है। वैसे आप बताओ आपको ये कलर कैसा लग रहा है। चलो यारो आज का मेरा हो गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी कर देना, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम। With the bills.